नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का थ्रू मैं आप लोगों को कल के लिए मतलब 19 जुलाई 2019 उसमें आपको लिए आप लोगों के लिए मैंने ये व्यू स्टॉक्स सुना है, तो इसका बाय सेल लेवल आप लोग होल्ड कर सकता है। बाय अप लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा और टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा। सेल बिलो सेल लेवल भी ऐसा है कि सेल बिलो लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा, टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएं तरफ। अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है। ये अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल जो आप लोग देखेंगे तो इसको गैप अप को और गैप डाउन को आप लोग कंसीडर कर ले सकते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग आप लोग को इंट्राडे का हिसाब से कर ले सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग और टारगेट स्टॉप लॉस। और इसमें आप लोग ऑब्जर्व कर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जिस साइड में जो है, सोच लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा 122.27, इसमें सोच लीजिए 124-125 में है, तो ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 126 तक तो ये आएगा, उसके बाद फिर 126 के ऊपर 126.81 के ऊपर जाएगा तो ये टारगेट हिट होने का संभावना है, लेकिन आप लोग टारगेट स्टॉप लॉस अपने हिसाब से कर लेंगे। और मेरा ये जो फाइल है इसमें एफएनओ स्टॉक्स, जितना एफएनओ स्टॉक्स है उसका लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल रहता है, जितना एफएनओ स्टॉक्स है उसका फ्यूचर्स का लेवल रहता है। ये आप लोग को पूरा फाइल मैं भेज सकता हूँ एंड ऑफ द डे, और लाइव मार्केट में भी 2-3 बार अपडेट कर सकता हूँ टाइम टू टाइम। तो इसके लिए आप लोग को ये जो आप लोग इसमें से जो प्रॉफिट करेंगे, आप लोग जो प्रॉफिट होगा तभी आप लोग ये प्रॉफिट से शेयर करेंगे, और कुछ मेरा कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लेता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल आप लोग देख सकते हैं, वही बाय अप लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। सेल लेवल भी ऐसा है, और इसका अल्टरनेटिव बाय सेल लेवल भी आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं कुछ फ्यूचर्स का लेवल भी दिखा देता हूँ, और ये स्क्रीन करके नहीं देता हूँ, जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए दिखाता हूँ, आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद डिसीजन लेके ट्रेड भी कर सकते हैं। कमोडिटी का लेवल भी आप लोग देख सकते हैं, ये नोट पैड आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें जो मैंने बोला वो लिखा है कैसे ट्रेड करना है वो फर्स्ट लेवल को। ये अल्टरनेटिव सेल लेवल का नहीं है कि वो तो स्ट्रेट है, लेकिन वो जो बाय सेल लेवल जो बीच में रहता है वो आप लोग देख सकता है।